Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys How are you to all? Hope everyone will be fine Guys today my topic is part of a sep sentence Today I will tell you how many type of sentence and what is subject and what is predicate Actually there are two types of sentence, subject and predicate So what is subject When we, su uh, we name some person or thing when we write a sentence the naming part of a द सेंटेंस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट जो जिसके बारे में जो नाम होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है इट्ज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज द डर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट का कोई एक्शन होता है इट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी नाउन ऐसे हो सकता है इफ़ आई ई से सलमा इज़ ड्रिंकिंग वाटर सो सलमा इज़ अ सब्जेक्ट क्योंकि सलमा का लिए और इफ़ आई से इंस्टीज ऑफ अ नाउन शी इज अ ड्रिंकिंग सो शी ऑल्सो इज़ अ सब्जेक्ट ठीक है तो नाउन और प्रोनाउन का तो पता ही है आप लोगों को तो जो है इस तरह हमारा सेंटेंस कहलाता है सब्जेक्ट ठीक है अब प्रेडिकेट क्या कहलाता है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग जो अबाउट द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो स्कॉलर प्रेडिकेट ठीक है सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो लाइक ये कहलाता है प्रेडिकेट द सब्जेक्ट अ रोज अब इसमें देखें सब्जेक्ट इज द रोज एंड दीडिगे स्मैल सीड उसकी स्मैल सीड यानी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है तो वो कहलाती है प्रेडिकेट इस तरह मनीषा इज रीडिंग तो मनीषा जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट ये है कि रीडिंग क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है कि वो क्या करिए इस तरह लाइक द सेंटेंस गिविंग बेलू आर डिड इन टू सब्जेक्ट एंड पेडिगेड तो इस तरह आपने इसको सब्जेक्ट और पीडिगेड में डिवाइड कराए हुए हैं ठीक है इस तरह इसमें सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है लाइक द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड सो द पीकॉक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड द ग्लू स्मिथ मेक ज्वेलरी ली तो गोल्ड स्मिथ तो गोल्ड स्मिथ बना रहा है तो गोल्ड स्मिथ सब्जेक्ट है और मेक जुड़ ली तो पेडिकेट है ठीक है राइट एंड ज्यूटी आर प्लेइंग विथ अ बॉल तो रीता एंड ज्यूती राइट नहीं सॉरी रीता रीता एंड ज्यूती इसमें जो है वो सब्जेक्ट है और प्लेइंग विथ अ बॉल से खेला जा रहा है तो so, ये प्रेडिकेट है इस तरह द गर्ल वॉज अ प्रिंसेस तो गर्ल सब्जेक्ट है और वॉज अ प्रिंसेस सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है तो वो पेडिकट है इस तरह आपके और सेंटेंस हैं डेट सब्जेक्ट टू कम्प्लीट देंटेंस वन इज डन फॉर यू टीना इज़ इंटेलिजेंट डैश इज़ हेल्पिंग द एंजर्ड इस तरह आपने यूज़ करना होता है द अब इसको द स्टार्ज आर शाइनिंग द ओल्ड हाउस आर कलर इज़ ब्लैक द पोस्ट मैन रिटर्न लेटर राइट लेटर इस तरह आपने इसको बनाने हैं ठीक है चीके? अच्छा इसी में मैं ये भी समझा दूँ कि वाट इज़ अ स्टेटमेंट एंड वाट इज क्वेश्चन सो आई ट यू अबाउट द डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट वो होती है कि जो सेंटेंस का बताया जा रहा होता है वो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन वो होता है जो पूछा जा रहा होता है आस्किंग मटेरियल क्वेश्चन होता है सेंटेंस आर टास्क और इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है वो इंटेरोगेटिव कहलाता है सेंटेंस कहलाता है या फिर क्वेश्चन ठीक है जैसे कि मैरीपी स्कीपिंग ये एक स्टेटमेंट है मैंने ये बात आपको बताई है कि मैरी जो है वो स्कीपिंग कर ली है लेकिन इफ़ आई वॉन्ट आस्किंग समथिंग सो आई कैन से इज माई वी स्पीकिंग सो आई यूज हेल्पिंग वर्ड इन फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज आई वॉन्ट अ मेकिंग क्वेश्चन दैट्स वाई आई विल यूज इज इन द फर्स्ट डिजिट ओके फर्स्ट लेटर सो लाइक दिस स्टेटमेंट क्या है और इस तरह क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट हमेशा एक सेंटेंस होता है क्वेश्चन में हमेशा आस्किंग मटेरियल होता है स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाते कैसे हैं हाउ वी कैन Uh, make question with a statement if i have a helping word of a statement yes like this i am younger than you so m is a helping word so i will start by m am i younger than you this is your new right so is this a helping word so i will uh, say this is this your new toy you are good in science so r is a so in question, R is a helping word. So, I will use R. Like this, his grandmother was a soldier. So, was is a helping word. So, I will use was for making a question. Like this, you were singing a song. So, what is a helping word? So, I will use were for a making question. It's like this. You have you should have a bath. I will use have is a <coughs> helping word. That's why I will use have for making question. The, com the Kumar will catch the Ranjdhani express. Will is a helping word. So, I will use will. Like uh, will catch the Rajdhani that, like this. Will the Kumar catch the Rajdhani express? They have done their work. Have they done their work? She has seen the film. So has she seen the film Spider-Man? Dimty can come. Can come to meet Miss. Can Dimpty come to meet Miss Lal? इस तरह इंटेरोगेटिव में इन्होंने हेल्पिंग वर्ड जो सारे यहाँ बता दिए जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बिफोर द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से पहले लगे वो होंगे क्वेश्चन बनाने के लिए अब इसको उन्होंने इंटेरोगेटिव में बनाना है तो मदर इज नॉट इन द किचन सो इज मदर इज इन द किचन एंड क्वेश्चन मार्क फादर हैज़ गोन टू द ऑफिस हैज़ फादर गोन टू द ऑफिस क्वेश्चन मार्क ही विल कैच फ्रेश फिश इन द पॉन्ड है विल ही कैच फ्रेश फिश इन द पॉन्ड द ट्रेन इज ऑन द ब्रिज so is train is on the bridge question mark pushpa can solve the sum easily can pushpa solve the sums easily question mark like this we must do our homework regularly do uh, do we must do our homework regularly question mark. mark it is very cold day is it very cold today question mark like this the teacher was on leave yesterday so was teacher leave on yesterday was the teacher leave on yesterday? Mita is fond of dog. Is Mita is fond of dog? There are fish in the tank. Are there fish in the tank? लाइक like दिस अब आपने इसमें हेल्पिंग वर्ड लगाना है इज़ आर हैज वॉज वन शी डैश सिटिंग एट हर डेस्क अब इसमें अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ड इज़ एम आर होता है लेकिन जब हम सिंगुलर की में बात कर रहे होते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ड इज़ होता है शी ही यानी कि किसी थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज लगता है तो शी के साथ लगेगा इज माई मदर डैश गोन टू मीट हर फ्रेंड जा चुकी हैं तो माई मदर वॉस माई मदर हैज़ ग्यू मी सुम डैश ट्रेवलिंग बाई गार सुमन जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार से तो सुमर सुमन जो है विल भी नहीं आएगा इसमें सुमन सुमन हैजर इट डैश स्नोइंग लास्ट नाइट तो लास्ट नाइट जो है स्नोइंग थी तो इट वॉज स्नोइंग लास्ट नाइट ना the children dash waiting for the school the children are waiting they dash wearing jacket they are wearing jacket dear dash light the lamp dear is light the lamp dear has light the lamp a guard dash standing are the guard a guard standing is standing she dash hurt her hand she hurt her. she has hurt her hand we dash enjoy the school we are enjoy the no we were enjoy the school वी यू डू विथ आई यू वी एंड दे एंड विधलन नाउंड ड विद ही ये सारी चीज़ें तो मैं आपको समझा रही हूँ टेंसेज के हवाले से इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्होंने बना दिए हैं और इस तरह आपने भी द डॉक्टर एग्जाम देशेंट डिट द डॉक्टर डस के इसमें सेंटेंस लगाने हैं तो इस तरह हमें यही आगे वर्ड्स लिखे और हमने यही यूज़ करने हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो